बाजार में सब्जी विक्रेताओं के पास लावारिस पशु मंडराते हुए नजर आते हैं, लेकिन कई बार यह मौजूदा के लिए खतरनाक भी साबित होता है, जिसका प्रमाण 16 जनवरी को कॉटन मार्केट में घटी यह घटना देती है, जहां एक लावारिस गाय ने एक बाजार कर्मी महिला को इतने जोर से सींग मारा कि इलाज के दौरान ही महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके विषय में ज्ञापन देते हुए बाजार कर्मी महिलाओं ने गणेशपेड़ पुलिस थाने का घेराव किया। दरअसल 16 जनवरी को पार्टी निवासी 48 वर्षीय नेमबाई वंजारी को बाजार में घूम रही एक लावारिस गाय ने सींग मार दिया और कुचल कर आगे निकल गई, लेकिन जब महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि नेमबाई कॉटन मार्केट में बोझ ढोने का काम करती है और घटना के दिन भी नेमबाई के सर पर एक बोरा था, उसी दौरान लावारिस गाय उन्हें कुचल कर आगे निकल गई, जिसके चलते अन्य बाजार कर्मी महिलाओं ने गणेशपेट पुलिस थाने का घेराव किया और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ऋषिकेश खाड़गे को ज्ञापन सौंपा है ताकि इस प्रकार के समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इस वक्त बाजार कर्मी पुष्पा वर्मा ने बताया कि बाजार परिसर में कोई भी अंधाधुंध घुस जाता है, कई बार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं तो लावारिस पशु कुचल कर चले जाते हैं, जिसके संबंध में हमने कई बार मनपा को निवेदन दिया लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग भी उन्होंने की है। हम भैया काटन मार्केट से है, हमाली करते हैं, हम आरा ढुलाने वाले भाई। हमारे साथ ये घटना हुआ है कि गैया ने एक भाई को कुचल के जान से चले गई वो भाई। हमारा कहना सिर्फ यही है कि वहाँ पे गैया ढोर नहीं होना, और जैसा चिल्लर गाड़ी वाले एक पाव आधा किलो वाले सीधा गाड़ी वाले के अंदर चले जाते, इसके कारण से हमको इतना परेशानी होते है, हमारे सर में 30 किलो 40 किलो का बोझा रहता है, उसके कारण से हमको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अगर हम कोई भी शब्द अगर बोले उनको बोले तो हमको उल्टा गाली देते हैं, गाली वालों से हमारे साथ बात करते हैं, तो हमारे सबका संगठन है मगर हमारा कोई कुछ ये नहीं है, हमारा सपोर्ट कुछ नहीं है। हम इसीलिए आए हैं कि हम एकता बनाने चाहते, आप बोलना चाहते कि कुछ हाँ कुछ हो हमारा आप उद्धार हो कुछ सुनाई हो, मगर हमारा कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे। उनका भी ये होना चाहिए ना, मौजा मिलना चाहिए उनको, उनके घर वाले को, क्योंकि उनके दो बच्चे हैं, उनको भी कुछ परेशानी है। तो कॉटन मार्केट के हमारे जैसे कॉटन मार्केट का काम करने वाली भाई, हमारे जैसे हमारी भाई है, हम इसीलिए आए हैं। आज उनके साथ हुआ कल हमारे साथ हो सकता है, किसी भाई लोगों के साथ हो सकता है, हम लोग इसीलिए जमा किए हैं। कोई भी दुर्घटना नहीं होना चाहिए, ये गैया ढोर के कारण गाड़ियों के कारण इतना परेशानी है, इतना मर रहे हैं, ये परेशानी हमको नहीं होना चाहिए। इस मामले में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ऋषिकेश खाड़गे ने बताया कि इस विषय में संबंधित कर्मचारियों को सूचित किया गया है, तो वही लावारिस पशुओं के विषय में गोरक्षण को जानकारी दी गई ताकि वह पशुओं की व्यवस्था कर सके। घटना 16 जनवरी की सुबह की घटना है। एक महिला नाम है उनका नेमबाई अशोक वंजारे, लगभग 48 ईयर्स की महिला है, वो रहने वाली पार्टी की है। वो हर दिन इधर माल का चढ़ उतार करने के लिए इधर आती थी और 16 को उनको जो मोकट जानवर है उन्होंने धड़क दिया, उसमें उनकी देहांत हुआ था, उसके बारे में हमारे इधर अकस्मात मृत्यु की नोंद है और इंक्वायरी हम कर रहे हैं। उसमें ऐसा पता चला है कि वह मोकट जानवर उनको धक्का देने के बाद वो गिर गया और उसमें से उनका देहांत हो गया, और आज वो कुछ महिला उनकी सहयोगी महिला इधर आई थी, उनका कहना था कि ये नहीं होना चाहिए और इसको जिम्मेदार महानगर पालिका है और महानगर पालिका ने ये जो गरीब जनता है उनके लिए कोई तो मुआवजा देने की जरूरत है और इसके पीछे का जो कुछ पूर्ण इंक्वायरी वो करनी चाहिए, और इसके लिए वो इधर आई थी। इसके बारे में मैं खुद जो संबंधित एनएमसी के अधिकारी उनसे उनके साथ बोल रहा हूँ और इसके बारे में और जो हमारे पास गोरक्षण है उनको भी एक पत्र लिखित में लिखकर कम से कम यहाँ से जो भी मुकट जानवर इधर उधर जा रहे हैं उनको भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।